स्वागत है सबका सादा माटा द सिंपल रेसिपी विथ देसी तड़का में। हमारी शेफ है मीरा। चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बहुत ही डिफरेंट वाली रेसिपी, जो है पेरीविंकल्स की रेसिपी, जिसको हम गुगली भी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी यूनिक मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसे आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गुगली को ले लिया है और इसके बाहर के छिलके को छुड़ा के इस तरह से रख लिया है। कोरिएंडर लीव्स को इस तरह से तोड़ के रखा हुआ है। ऑयल ले लिया है मैंने थोड़ा सा, जिसको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। इसी के साथ हम ले लेते हैं जिंजर यानी कि अदरक, और थोड़ा सा हम लहसुन यानी कि गार्लिक का भी इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च। इसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इसी के साथ हम ले लेते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा रंग लाएगी। यहाँ पे हम करी लीव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको मीठा नीम भी कहा जाता है, और थोड़ा सा हम शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ मेन इंग्रेडिएंट दोस्तों नमक, जिसको बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ ही ले लेना है टमाटर, जिसको बारीक कूट के रखा हुआ है। थोड़ा सा हमें ऑनियन यानी कि प्याज का भी इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ जितना आप तीखा खाना चाहें उस हिसाब से रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। क्यूमिन सीड्स यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा, और इसी के साथ हम ले लेंगे कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गुगली के जो भी बाहर के हिस्से हैं, इसको हमें छूल लेना है, जो मैंने बाज़ार से ऑलरेडी छूल के लेके आई थी। जो अंदर का जो हमारा पीस रहता है उसको हमें ले लेना है, और इसके बहुत ही अच्छी तरह से मसलते हुए दोस्तों धोना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा मिट्टी और मड रहता है, जिसे हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह से मसलते हुए हमें अच्छी तरह से सारे जो गुगली हैं इसको हमें साफ़ कर लेना है, और इस तरह से छलनी में सारा पानी निकालने के बाद एक अलग से बर्तन में हम रख देंगे। अब इस बर्तन में हम एक एक करके दे देते हैं सारा मसाला। सबसे पहले गार्लिक दे दिया यानी कि लहसुन, इसके बाद हम दे देते हैं जिंजर यानी कि अदरक, और अदरक के बाद हम दे देते हैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, जो एक बहुत अच्छा सा रंग लाएगी। नेक्स्ट हम दे देते हैं रेड चिली पाउडर। दोस्तों आप जितना तीखा खाना पसंद करें उस हिसाब से रेड चिली पाउडर दीजिए। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर दिया है, क्योंकि ये तीखा ही नॉर्मली अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट हम दे देते हैं कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर के बाद हम दे देंगे क्यूमिन पाउडर। क्यूमिन पाउडर यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम दे देते हैं सॉल्ट यानी कि नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम दे देंगे हल्दी पाउडर, जितना हल्दी पाउडर आप कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम दे देंगे चीनी यानी कि शुगर, और इसके बाद हम दे देते हैं ऑयल। लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल यहाँ पे देना है। और अब इसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इस गुगली के साथ। गुगली में जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए, और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अलग से रख देना है मैरिनेट करने के लिए। तो लीजिए, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, और अब इसके बाद हमें लगभग 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए इसे अलग से रख देना है। नेक्स्ट हम कढ़ाई को बिठा के गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम दे देंगे ऑयल यानी कि तेल। तेल को भी हम अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें देना है क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड को हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें देना है यहाँ पे प्याज यानी कि ऑनियन।
ऑनियन को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, इस तरह से मैंने ऑनियन को अच्छी तरह से तोड़ लिया और इसके बाद इसको चलाते हुए मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसके बाद हम दे देंगे करी लीव्स। करी लीव्स को हमने पहले नहीं दिया क्योंकि करी लीव्स नॉर्मल ऑयल में देने से ये बहुत ही तेल को बम्प अप करता है। तो इसके बाद हम दे देते हैं ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ के बाद हम दे देंगे सॉल्ट यानी कि नमक, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा चलाने के बाद दे देंगे मैरिनेट किया हुआ हमारा जो गुगली था उसको। सारे चीज़ें यहाँ पे पड़ चुकी है। अब मसालों के साथ हमें गुगली को अच्छी तरह से फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक गुगली अच्छी तरह से पक ना जाए। तो लीजिए, थोड़ी देर बाद इसी तरह से मैं चलाते हुए गुगली को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब तक गुगली अच्छी तरह से पूरी तरह से पक ना जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, अच्छी तरह से गुगली फ्राई हो चुकी है। इसके बाद ही हमें देना है टमाटर। टमाटर हमें पहले नहीं देना है। टमाटर पहले दे देंगे तो हमारा गुगली फिर उसके बाद पकना नहीं चाहेगा। तो लीजिए, इसके बाद हम दे देते हैं कोरिएंडर लीव्स, और इसी तरह से चलाते हुए हम टमाटर को बिल्कुल अच्छी तरह से स्मैश कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे दे देते हैं पानी। दोस्तों, ये वही पानी है जिस बॉटल में, जिस कटोरे में मैंने गुगली को मैरिनेट होने रखा था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया, और पानी देने के बाद उसी पानी को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे और जितना आप ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से आप जितना पानी देंगे उसका माप डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी रखा हुआ है, थोड़ी ग्रेवी बनाई है तो मैंने थोड़ा पानी रखा हुआ है। अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला दे दिया है और गरम मसाला को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब इसके बाद मैं दे देती हूँ ड्राई मैंगो पेपर, जिसको आमचूर भी कहते हैं हम। दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें थोड़ा सा खट्टा सा स्वाद आता है जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही एनरिच करता है। अब आप जितना ग्रेवी रखना चाहे उतना रखने के बाद गैस का फ्लेम आप ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, गुगली की रेसिपी। दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ हर संडे नई रेसिपी पाने के लिए। हैप्पी कुकिंग एंड